हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटीज टेक्नोलॉजी चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ अंडर 13,000 बेस्ट स्मार्टफोन इन 2022। अगर आपको 30,000 के रेंज में कोई भी मोबाइल लेना है, जैसे कि 25 से 30,000 के रेंज में कोई भी मोबाइल लेना है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, स्नैपड्रैगन 778 वाला प्लस चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, और सुपर एमोलेड पैनल 10 बिट का सुपर एमोलेड पैनल, पी ओलेड पैनल, गेमिंग के लिए डिस्प्ले के कैमरा के लिए टॉप क्लास हो। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफी बेस्ट मोबाइल के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M53 5G मोबाइल के बारे में। इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। 7.4 mm इसका थिकनेस है, 176 ग्राम इसका वेट है। सो इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। गुड लुकिंग फोन है। डिस्प्ले में 6.7 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड प्लस पैनल देखने के लिए मिलेगा। सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। सो इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चिपसेट में आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 6 nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलता है। UFS 2.2 का सपोर्ट है। सो इसमें आपको बेस्ट एंड टॉप क्लास गेमिंग मिल जाएगा। कैमरे में आपको 108 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो, 2 MP का डीप, 4K 30 fps से आपको फ्रंट से बैक से रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आपको 32 MP का रिकॉर्डिंग और कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको बेस्ट आपको यहाँ कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। बैटरी में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। 25W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, सपोर्ट करता है। USB टाइप सी देखने के लिए मिलेगा। 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। साइड माउंट है, फिंगरप्रिंट है, डबल स्टीरियो स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट है, एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है। सैमसंग का UI 4.1 देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसमें आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से 6128 वाला वेरिएंट आप परचेस कर सकते हो 27,000 में, जैसे कि 26999 में परचेस कर सकते हो। सो इसमें आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट मोबाइल की बात करें तो गेमिंग के लिए टॉप क्लास होने वाला है। सो ये मोबाइल है OnePlus Nord 2। ये मोबाइल थोड़ा ओल्ड हो चुका है, लेकिन आपको इसमें अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा और आपको कोई और मोबाइल परचेस करना तो OnePlus Nord 2T मोबाइल परचेस कर सकते हो, जैसे कि आपको इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ अभी तक, आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला OnePlus Nord 2 मोबाइल के बारे में। सो इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में आपको फुल ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा, बैक साइड, फ्रंट साइड। बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। 8.2 mm इसका थिकनेस होने वाला, 190 ग्राम इसका वेट होने वाला। डिजाइन बिल्ड मटेरियल ऑल ओवर बेस्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्लास से। इसलिए डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा 6.43 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला फ्लूड एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोडक्शन के साथ, 90Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 6 nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलता है। UFS 3.1 का सपोर्ट है, जो कि काफी बेस्ट आपको टॉप क्लास का गेमिंग इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरे में आपको 50+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। OIS के साथ आ रहा है, और 4K 30 fps का वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से कर सकते हो। फ्रंट में आपको 32 MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि फुल HD 30 fps का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक से, फ्रंट से। सो इसमें ऑल ओवर कैमरा आपको टॉप क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। 65W का फास्ट चार्जर USB टाइप सी के साथ, 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट होने वाला है, लाउड स्पीकर होने वाला है, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा है। ऑक्सीजन OS का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 6128 का वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 27999 में इस मोबाइल को मैं रिकमेंड करूंगा। गेमिंग के लिए आपको बेस्ट मोबाइल लेना है तो इस मोबाइल के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। सो नेक्स्ट मोबाइल निकल के आता है Moto Edge 30 की तरफ से, जिसमें आपको बेस्ट गेमिंग डिस्प्ले कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाएगा। 6.4 mm इसका थिकनेस होने वाला है, 155 ग्राम इसका वेट होने वाला है, जो कि इंडिया का बेस्ट मोबाइल डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में है। लुकिंग वाइज मोबाइल काफी अच्छा है, लाइट वेट एंड थिकनेस काफी इसका पतला स्लिम मोबाइल है, तो इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इन एंड फील काफी टॉप क्लास होने वाला है। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला 10 bit का पी ओलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। 500 nits की ब्राइटनेस, 140Hz का रिफ्रेश रेट। सो इसके डिस्प्ले में आपको टॉप क्लास स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके परफॉर्मेंस में आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला प्लस चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। 6 nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। LPDDR5X RAM देखने के लिए मिलता है। UFS 2.3 का सपोर्ट है। सो इसके में चिपसेट में आपको लेटेस्ट चिपसेट एंड टॉप क्लास वाला चिपसेट देखने के लिए मिल रहा है। सो गेमिंग आपको मचाने में मजा आ जाएगा। कैमरे में आपको 50+50+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जा रहा है। प्राइमरी सेंसर में आपको OIS देखने के लिए मिल जाएगा, और 50 MP का अल्ट्रा वाइड। सो क्या ही बोले, इसके कैमरे में 4K 30 fps का बैक से रिकॉर्डिंग करेगा,
फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपको 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। सो इस मोबाइल में आपको जितने भी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे टॉप क्लास देखने के लिए मिलेंगे। बैटरी में आपको 4020 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। इसका बैटरी आपको थोड़ा कमी देखने के लिए मिला क्योंकि ये बेस्ट स्लिम फोन है और बेस्ट लाइट वेट के साथ आ रहा है, इसलिए 33 वाट का फास्ट चार्जर है। बैटरी के हिसाब से 33 वाट का फास्ट चार्जर काफी है, चार्ज कर देगा अच्छे से। USB टाइप से देखने के लिए मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, हाइब्रिड सिम स्लॉट, डबल स्टीरियो स्पीकर, लाउड स्पीकर होने वाला है, टॉप क्लास का स्पीकर होने वाला है। ये मोबाइल एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और सैमसंग का सॉफ्टवेयर स्टॉक अंडर का फील देखने के लिए मिलेगा। थिंग सीट की सिक्योरिटी देखने के लिए मिलेगी, UI क्लीन, सॉफ्टवेयर ब्लॉटवेयर सभी कुछ आपको क्लीन देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 6128 का वेरियंट आपको देखने के लिए मिलेगा 27,999 में। 28,000 में इस मोबाइल को आप परचेस करना चाहते हो, इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस करना। और नेक्स्ट मॉडल की बात कर लेते हैं, ये है रियलमी GT मास्टर एडिशन, जो कि डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। सो ये आपको फुल प्लास्टिक प्रोवाइड करता है, 8 mm इसका थिकनेस होने वाला है, 174 ग्राम इसका वेट होने वाला है। लाइट वेट के साथ थिकनेस भी काफी अच्छा है, ये लाइट स्लिम मोबाइल होने वाला है। और इसके डिस्प्ले में मिल जाएगा 6.43 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। 1000 nits की ब्राइटनेस, 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं आपको जितने स्मार्टफोन बताने वाला हूँ सब टॉप क्लास के हैं, इसलिए इसमें आपको कोई भी ज्यादा कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसके चिपसेट में आपको देखने के लिए मिलेगा Qualcomm Snapdragon 778 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 6nm फैब्रिकेशन के साथ आता है, LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलते हैं, UFS 2.2 का सपोर्ट है। सो इसके चिपसेट में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑल ओवर जैसे सभी गेमिंग मचाने में मजा आएगा, इसमें भी आपको गेमिंग मचाने में मजा आएगा। BGMI तो काट के रख देगा। इसके कैमरे में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलेगा और बैक से आपको 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको फुल HD 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। सो कैमरा वाइज आपको एवरेज एंड डिसेंट देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी में आपको 4300 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग, USB टाइप सी के साथ 3.5 mm जैक, डबल स्टोरेज स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट, ऑल ओवर इसमें आपको सभी कुछ स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जा रहे हैं। और ये मोबाइल थोड़ा ओल्ड है, थोड़ा ओल्ड नहीं लाइटली ओल्ड है, और एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा है। रियलमी UI देखने के लिए मिलेगा, जो कि 6128 वाला वेरियंट आपको 25,799 में देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज 26,000 में इस मोबाइल को बेस्ट स्पेसिफिकेशन मिल जा रहा है। सो इसमें अगर आप ऑफर्स लगाओगे तो आपको 24,000-23,000 में देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, ये आपको बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट गेमिंग, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। सो ये IQ Neo 6, इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल की बात कर लेते हो, आपको फुल प्लास्टिक प्रोवाइड करता है, 8.5 mm इसका थिकनेस, 190 ग्राम इसका वेट है, गुड लुकिंग फोन है, बेस्ट लुक आपको इसके देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा 6.62 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल, 1300 nits की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको टॉप क्लास देखने के लिए मिल जाएगा, 120 Hz का रिफ्रेश रेट, 360 Hz का टच फैमिली रेट देखने के लिए मिलेगा। सो इसके डिस्प्ले में मेरे को नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है। सो इसके चिपसेट में बात कर लेते हैं, आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 870 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, 7nm फैब्रिकेशन के साथ आता है, LPDDR5 RAM देखने के लिए मिलता है, UFS 3.1 का सपोर्ट है। सो इसके चिपसेट काफी स्टेबल चिपसेट है, हीटिंग का प्रॉब्लम, ब्लास्ट का प्रॉब्लम कम देखने के लिए मिलता है और काफी स्टेबल चिपसेट है। सो इसमें आपको गेमिंग के लिए टॉप क्लास मिलने वाला, BGMI फ्री फायर तो मचाने में मजा आ जाएगा। कैमरे में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, OIS के साथ आ रहा है। सो इसमें आपको कैमरा सेटअप आपको बेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक से। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको फुल 30 FPS का रिकॉर्डिंग दे देगा, तो ठीक है, आपको फुल HD का सपोर्ट देगा, तो आपको इसमें कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। फ्रंट से बैटरी में आपको 4700 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, 80 वाट का फ्लैश चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो कि 12 मिनट में आपको फुल चार्ज कर देगा, और 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलता है, डिसअपॉइंटेड वाली बात है, सभी मोबाइल में आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट होने वाला, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, और इसमें आपको डबल स्टोरेज स्पीकर सो बेस्ट आपको मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है, और इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और 8128 वाला वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा 27,999 में, 28,000 में इस मॉडल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, गेमिंग वाइज, कैमरा वाइज और जो भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए इस मोबाइल को और मोटो एज 30 को, ये दोनों में से आपको डेफिनेटली एक परचेस करना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो आपको फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर लेना होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।